बॉडीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। बनारस के बाद हम आ गए हैं एक और हॉट सीट गाजीपुर लोकसभा में। तो बसपा से प्रत्याशी अफजल अंसारी थे जी, जो फिलहाल सांसद हैं जी। भाई उन्होंने बसपा क्यों छोड़ी? अभी वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो आपको सवाल समाजवादी पार्टी से पूछना चाहिए। सारा काम कैसा रहा अफजल अंसारी का? एक सांसद का जो दायित्व होता है सदन में सरकार से सवाल पूछना, कभी गाजीपुर की कोई आवाज नहीं बने। जो गाजीपुर का विकास कर रहा था उनको तो हरा दिए। मनोज सिन्हा कैसे थे? सांसद के तौर पर ठीक नहीं थे, मंत्री जो थे वो मंत्री अपना मंत्री बन के काम ठीक ठाक किए हैं। इस बार बताइए क्या चल रहा है चुनाव में, क्या माहौल दिख रहा है? इस बार नमस्ते, मैं सौरभ हूँ, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। बनारस के बाद हम आ गए हैं एक और बड़ी और हॉट सीट गाजीपुर लोकसभा में, जहाँ से फिलहाल सांसद हैं अफजल अंसारी। 2019 के लोकसभा चुनाव में अफजल अंसारी ने, जो फिलहाल जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा साहब, उनको चुनाव मैदान में हरा कर यहाँ सभी को चौंकाया था। और जैसा कि हमारे साथी मित्र भाई साहब हैं, उन्होंने बताया कि गाजीपुर का कुछ जो मूल कैरेक्टर है वो अलग तरीके का है। यहाँ पर दिशा हवा के विपरीत चलने का पुराना इतिहास रहा है कि सरकार जिसकी रही है उसके विपक्ष का ही सांसद विधायक ज़्यादातर समय रहा है। 2014 में मनोज सिन्हा की जीत छोड़ दें एक अपवाद के तौर पर, तो इसे ऐसा कहा जा सकता है। तो अब 2024 के लोकसभा चुनाव है, गाजीपुर के लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव के बारे में, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, ये समझने का प्रयास करेंगे। प्रत्याशी के तौर पर बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बार अफजल अंसारी हैं, जो कि पिछली बार बसपा से सांसद थे। बीजेपी ने यहाँ पर एकदम नया नाम सामने रखा है पारसनाथ राय का। पारसनाथ राय के बेटे का नाम शायद आप लोगों ने सुना हो, आशुतोष राय, जो कि युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। उनके पिताजी को टिकट मिला है, एक यहाँ पर महाविद्यालय है उसके प्रबंधक हैं। और उनकी पहचान ये भी है कि मनोज सिन्हा जब चुनाव लड़ते थे तो उनका मंच संचालन संभालने की जिम्मेदारी, मंच पर भाषण देने की जिम्मेदारी और चुनाव मैनेजमेंट का काम पारसनाथ राय के पास रहता था। और उनके टिकट के पीछे भी कहा जाता है कि मनोज सिन्हा का एक रोल रहा है। अगर BSP से बात करें तो उमेश कुमार सिंह प्रत्याशी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हैं और चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तमाम लोग देखिए बात करते करते इंटरव्यू देते देते इकट्ठा हो गए हैं, बातचीत शुरू करते हैं। गाजीपुर का इस बार क्या माहौल है? सबसे सीनियर आप ही लग रहे हैं, तो आपसे शुरू करता हूँ। सबसे सीनियर क्या नाम है आपका? शंभुनाथ चौरसिया। शंभुनाथ चौरसिया, क्या करते हैं भाई साहब आप? पान बेचते हैं। पान बेचते हैं, अपनी दुकान यहीं पे? हाँ, लंका पर। लंका पर, यहाँ भी लंका इलाका है? हाँ, यहाँ भी लंका है। बनारस में भी, बनारस से होकर आ रहे हैं तो हमको वहाँ लंका क्लिक करना है। वहाँ भी लंका है। तो क्या गाजीपुर में इस बार क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं चुनाव में? सब मोदी मोदी, राममय दुनिया। आज तक 500 साल तक के राम मंदिर को छुआ नहीं, बनाया तो इसी ने। आज तक 500 साल से पड़ा हुआ था हमारा रामलला, टाट में सड़ रहे थे और लोग ठाट से खा रहे थे, हाँ ठाट में थे, लेकिन आज रामलला ठाट में है और सब टाट पे है, हाँ। ये रहा भाजपा के कारण। नहीं तो राम मंदिर जैसे अयोध्या में बना है, हाँ। और तमाम जो विपक्ष के लोग हैं वो ये बात कहते हैं कि वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, बीजेपी क्या रोल है यार? तो बनाने वाला कौन है? कहिए कि मोदी पैदा हो गए, मोदी का मैया ने पैदा किए हुए मोदी को, क्योंकि आप इमली के खोड़ेरे से आए हैं। इमली के खोड़ेरे से नहीं आए हैं, उनको भी पैदा करने वाली महतारियाँ ना होगी, और सबको पैदा करती है महतारी। अब कहिए कि नहीं, इतना दिन पड़े थे क्या हुआ? इतना दिन तो टाट में राम लला सो रहे थे आराम से। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है आप कह रहे हैं लोकसभा चुनाव में, यहाँ वोट पे असर पड़ेगा उसका? अरे वोट का सब आंख मूंद के आदमी जाएंगे। अच्छा, 370 है सब। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अच्छा, राम मंदिर 370 है, देख रहे हैं कि सड़कों का जाल बिछा हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, कहाँ से विकास हुआ? विकास कुछ हुआ है तभी तो हुआ है।
भैया पीछे बोल रहे हैं मुलायम अभी भी आएंगे। ये देखिए आप लोग प्रचार करने आए हैं ना, और देखिए आप लोग का प्रचार चल रहा है मुझे पता है बसपा वालों का, तो बाई चांस की बात आप लोग इकट्ठा हो गए मगर हल्ला नहीं करेंगे। बात सुनो, स्टार्टअप योजना शुरू की कि जितने बेरोजगार नौजवान पढ़े लिखे हैं उनको बैंक से लोनिंग होगी, वो रोजगार पैदा होगा, सबको सरकारी नौकरी तो मिल नहीं जाएगी, लेकिन बहुत नौजवान हैं जो पढ़े लिखे हैं रोजगार के क्षेत्र में अपने को स्थापित कर रहे हैं, बैंकों से लोन ले रहे हैं, एक दो लोगों को अपने यहाँ नौकरी दे रहे हैं, तो जो आगे बढ़ना चाहेगा वो तो अब निठल्ला हम बैठ जाएंगे तो कहाँ से कुछ आएगा, करना पड़ेगा कुछ ना। अभी थोड़ा क्या है कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ, लोकल पूछना चाहता हूँ, अभी आऊंगा रुक जाओ, लोकल भाई साहब अरे आपस में बात मत करिए डिस्टर्ब होगा, हमसे बात करिए, बहुत दूर से आए आप लोग बात करने, हम ये जानना चाहते हैं जैसे आप राम मंदिर है ना और 370 पहुंच गए वहाँ बाद में जाइए, पहले मुझे लोकल यहाँ गाजीपुर के लोग क्या चाहते हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, चुनाव में क्या मुद्दे हैं लोकल बताइए, राष्ट्रीय बात बेरोजगारी है, महंगाई है, यही गाजीपुर की जनता की मांग है, तो बेरोजगारी है तो उसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे चल के उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तभी आपको कुछ मिलेगा, अब सब कुछ सब लोग चाहें कि सरकारी नौकरी मिल जाए तो यह कोई सरकार न दे पाएगी न कुछ कर पाएगी। नहीं सरकारी नौकरी अगर नहीं, क्या नाम है? तरुण नाम है मेरा, क्या करते हैं तरुण? मैं पढ़ाई करता हूँ, ठीक है, मैं BHU का छात्र हूँ। अच्छा। ये बताइए जब रहने वाले यहीं के हो गाजीपुर के? हाँ मैं सैदपुर का हूँ मुरियार का। ये बताइए कि ये कह रहे हैं अंकल कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, आप ये बताइए गाजीपुर में इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या कितनी है, इंजीनियरिंग कॉलेज कितने, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए कितने कॉलेज चलाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, सरकार ने कितनी ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिससे आपके युवाओं की जितनी जनसंख्या है गाजीपुर में वो युवा बेरोजगार ना बैठे, इसका ये जवाब दे दें मुझे बताइए। है जवाब पहले हमारा पर्चे आप जानिए, बताइए बताइए। हाँ हमारा पर्चे जयप्रकाश चौरसिया कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला सचिव। अच्छा, किससे? कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला सचिव जयप्रकाश चौरसिया मिश्र बाजार के रहने वाले हैं। मैं एक शहर के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हकीकत को कहना बगावत नहीं, ना शब्द मुझे सुनने की आदत नहीं, जरा मुझको भी धूप में खड़ा हो लेने दो, ये धूप किसी की अमानत नहीं, फूल सबनम तलाश करती है जखमराम तलाश करती है। माननीय चीफ ब्यूरो साहब, मैं कांग्रेस का वक्त सिपाही हूँ जो कांग्रेस का हरगम तलाश करता हूँ। आज बड़ा बताइए भाषण में, आज बड़ा कष्ट होता है कि ये BJP के लोग कहते हैं कि 70 साल में क्या किया, तो एक शेर याद आ गया कि गुलशन को लहू से मैंने सींचा, जब गुलशन में बहार है तो मेरा काम नहीं, जब देश गुलाम था तो गुलामी से लेके आज़ादी दिलाने का काम कांग्रेस ने किया, जब देश आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान में एक सुई नहीं बनता था, सुई से लेके जहाज हलोहाज जितना भी जो है ये टेक्नोलॉजी ये सारा कल कारखाना ये सब कांग्रेस की देन है। जाहिर सी बात है, आप इतने समय आपकी पार्टी ने रूल किया है इतने लंबे समय तक, तो आप काम करेंगे, इससे कोई इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, मगर फिर आप सवाल तो सुनिए, बात ये है फिर कि आप इतना अच्छा रूल कर रहे थे 2004 से 2014 के बीच 10 साल UPA की सरकार रही, 2014 में के बाद फिर लगातार दो जो बड़ी हार हुई है 14 और 19 की, इसके पीछे कारण क्या, जनता ने क्यों नकारा? ऐसा कि जनता जो है कांग्रेस की सरकार जो है भूल गया, मात्र 5 रुपया बढ़ता था, क्यों भूल गया? यही स्मृति ईरानी जो ना गैस सिलेंडर लेकर के अब पूरा ये अमेठी पूरा घूमने लगे, अब मनमोहन सिंह को चूड़ी भेजने लगे, मनमोहन सिंह की सरकार था कि पर ईयरली वैकेंसी निकलता था, बच्चे से भर्ती होते थे, अब BJP की सरकार में तो पेपर वे लीक हो जा रहा है, तो फिर नौजवानों को भविष्य के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है, बेरोजगारी की सबसे प्रमुख समस्या है पॉपुलेशन। अच्छा। जनसंख्या नियंत्रण जब तक नहीं होगी, संसाधन का समुचित विकास नहीं होगा और सारे व्यवस्थाएं नहीं की जाएंगी, तब तक किसी को रोजगार मिलने वाला नहीं है, चाहे कोई गवर्नमेंट जैसे जैसे भैया ताली वाले नहीं
एक अभी 5 मिनट बात नहीं हुई ताली शुरू कर दी तुम लोगों ने यार। हल्ला गुल्ला मत करिए प्लीज, जिसको हल्ला गुल्ला करा वाला दूर चला जाए। जैसे आपने कहा कि बीजेपी विपक्ष में जब थी तो सिलेंडर दाम बढ़ने पर खूब बवाल करते थे, स्मृति ईरानी का नाम आपने लिया। अरे पर सवाल पूरा होने दिया करिए भाई साहब। तो जो आप विपक्ष में आप कर रहे हैं वो काम, विपक्ष में रह के जो विपक्ष की भूमिका होती है, ये विपक्ष को तो दुश्मन मान रहे हैं, ये तो विपक्ष को दुश्मन मान रहे हैं, जो कि सत्ता, जैसे भैया कह रहे हैं कि आप लोगों ने कोई विरोध प्रदर्शन जो विपक्ष की भूमिका होती है। अगर आपको आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे चीजें महंगी हो गई, कोई भी वस्तुएं महंगी हो गई, सिलेंडर महंगा हो गया या शिक्षा महंगी हो गई है, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार इसी मुद्दे पर चली गई, कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गई थी 2014 में, और उसके बाद अगर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की सरकार थी जिसने शिक्षा में और बाजार में विदेशी निवेश को आमंत्रण दिया था भारत में, और भारतीय जनता पार्टी ने उसको और भी ज़्यादा बढ़ाकर और देश को और भी ज़्यादा बर्बाद कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किसी भी मायने में अलग नहीं है, दोनों एक ही तरीके की पार्टियाँ हैं, और भारत में अगर शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार के सवाल पर कुछ अगर सही करना है तो दोनों ही पार्टियों के भविष्य को एक बार देख लेना होगा, दोनों ही के उस नेतृत्व को एक बार देख लेना होगा कि और भी ज़्यादा अलग तरीके की राजनीति देश में चले। दोनों से आपको दिक्कत है। तीसरा ऑप्शन क्या बीएसपी से जुड़े हैं? नहीं, हम बहुजन समाज पार्टी के समर्थक इसलिए हैं क्योंकि गाजीपुर लोकसभा की सीट पर जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर उमेश सिंह, वो शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के सवाल पर 30 साल से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लगातार सड़क पे हैं और सड़क से संसद जाने की तैयारी में हैं। अगर हाँ नहीं, प्रधानमंत्री का चेहरा आप गाजीपुर लोकसभा सीट के हमारा सांसद अच्छा होना चाहिए, वोटर है कि कहाँ के वोटर है, सांसद का काम क्या होता है, सांसद का काम क्या होता है, आप लोग इसी बात की भूल करते हैं। आपके क्षेत्र का सांसद का काम होता है कि आपके क्षेत्र का सांसद का काम होता है कि आपके क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं पॉलिसी के लेवल पे, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, उसका संसद में जाके उसका सवाल उठाए, जैसे कि पिछली बार बसपा से बात करें तो बसपा से प्रत्याशी अफजाल अंसारी थे जो फिलहाल सांसद हैं जी, तो मेरे आप बसपा वाले हैं, आलू बसपा समर्थक हैं, तो मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि भाई उन्होंने बसपा क्यों छोड़ी, सपा में क्यों गए, वो प्रश्न आपको उनसे पूछना चाहिए, आप लोग भी चर्चा होगी, पूछना चाहिए। अभी वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो आपको सवाल समाजवादी पार्टी से पूछना चाहिए, उनके नेता से पूछना चाहिए, और आपका नेता आपको आपका साथ जिसको आप लोगों ने जितवाया होगा, उमेश सिंह है जो इस समय बहुजन समाज पार्टी से, नहीं भाई अभी तक तो बसपा में थे ना, अफजाल अंसारी सांसद तो बसपा से चुने गए थे, अफजाल अंसारी कैसा काम कैसा रहा अफजाल अंसारी का? नहीं, अफजाल अंसारी का काम तो गलत रहा, लेकिन देखिए इसीलिए एक सांसद का नाम, मेरा नाम डॉक्टर सम्मी कुमार सिंह है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, वकील साहब जी जी, पार्टी जुड़े किसी, बिल्कुल मैं डॉक्टर उमेश कुमार सिंह के साथ छात्र आंदोलनों में रहा हूं, और एक सांसद का जो दायित्व तो होता है सदन में सरकार से सवाल पूछना, एक बार भी जो वर्तमान सांसद है 2004 से 9 में भी सांसद रहे और 2019 से 24 में भी रहे, एक बार उन्होंने प्रश्नकाल में कोई सवाल नहीं पूछा, शून्यकाल होता है कि गाजीपुर और अन्य जनता के हितों पर मुद्दे उठाए, शून्यकाल में भी एक प्रश्न नहीं पूछा, सांसद को और संसदीय प्रणाली में दायित्व दिए गए प्राइवेट बिल की, वो तो दूर की बात रही, कभी गाजीपुर की कोई आवाज़ नहीं बने, और 40 साल तक गाजीपुर की आवाज मौन रही, कभी भी सुनाज सिंह हमारी की आवाज निकलती थी तो पूरा सदन सुनता था, नेहरू सुनते थे, लोहिया सुनते थे, कभी यहां सरजू पांडे बोला करते थे जिसको नेहरू और लोहिया सुना करते थे, और ये 40 साल से दो मठाधीश, एक नकल माफिया लड़ा है भाजपा से और एक असल माफिया सपा से लड़ा है, ये दोनों मठाधीश 40 साल से गाजीपुर में छाए हुए हैं, यहाँ चीनी मिल बंद है नंदगंज की, 40 साल से कोई आवाज नहीं, बड़ौड़ा कटाई मिल 2018 में योगी आदित्यनाथ 100 करोड़ दिए बजट में, आज तक कुछ नहीं हुआ, 24 होने जा रहा है, इसके अलावा यहाँ विश्वविद्यालय सबसे ज्यादा नामांकन है, उच्च शिक्षा में सबसे ज्यादा नामांकन गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश में, लेकिन यहाँ 300 महाविद्यालय हैं, लेकिन यहाँ एक विश्वविद्यालय की जरूरत, विश्वविद्यालय नहीं बना। मनोज सिन्हा कैसे थे? मनोज सिन्हा ऐसे थे कि जब वो रेल मंत्री बने तो रेल का निजीकरण शुरू हो गया, तमाम जनरल डिब्बे हटा दिए गए, रिजर्वेशन डिब्बे हटा दिए गए, काम किया था यहाँ पर। देखिए जैसे पिछली बार मुझे कई लोगों ने ये फीडबैक दिया कि मनोज सिन्हा ने सांसद के तौर पे काम किया था, उसके बावजूद गाजीपुर के लोगों ने हरवा दिया। सांसद के तौर पे उन्होंने काम नहीं किया था, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये हिंदुस्तान में हर जगह काम हो रहे थे, और इसी में नहीं हुआ, अभी जो गड्ढे देख रहे हैं आप, ये अटल मिशन योजना के अंदर, इससे पहले JNNURM मिशन था, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रूरल मिशन, तो ये सारे काम पिछली सरकारों के द्वारा क्रमागत
तरीके से हो रहे थे, इसमें कुछ विशेष नहीं हुआ। इन्होंने ऐसा किया कि रेल बीच कराया है, फिर उसके बाद बीएसएनएल उसी समय जियो को 1.5 लाख करोड़ का सरकार ने लोन दिया, और जियो आज 4G 5G पे आ गया, बीएसएनएल अभी 3G पे चल रहा है। तो ये दूरसंचार के भी मंत्री थे, स्वतंत्र प्रभार थे, रेल मंत्री भी थे। तो रेल को और दूरसंचार को इन्होंने पूंजीपतियों के हाथ में बेचने का काम किया, इसीलिए 4.5 लाख लोगों ने इनके खिलाफ मत दिया, क्योंकि जो बुनियादी सवाल थे, शिक्षा का सवाल, रोजगार का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, उस पर इन्होंने कोई काम नहीं किया। क्या नाम दोस्त आपका? अतुल सिंह। अतुल, क्या करते हो अतुल? पढ़ाई करता हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हो? इस समय LLB कर रहा हूँ। LLB, आगे क्या इरादा है? आगे तो वही रोजगार की तलाश है। अच्छा, रहने वाले गाजीपुर के हो? जी। क्या लग रहा है, मुद्दे क्या है इस बार चुनाव में? वही शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई। स्वास्थ्य, महंगाई जी। शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था है, किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर गाजीपुर में? शिक्षा का तो यहाँ पे बाजारीकरण चल रहा है। अच्छा, कैसा बाजारीकरण? महंगी फीसें हैं, गार्जियन असमर्थ है पढ़ाने में, नकल का पूरा प्रचार चल रहा है। अच्छा जी, नकल का प्रचार चल रहा है। तो जैसे आप लोग जो चुनाव चलता है या बाकी समय होता है, नेता लोग आते होंगे वोट मांगने, उन सब शिकायतें करते हैं, ये सब चीज़ें बताते हैं? नेता आते ही नहीं है, केवल सड़क पे घूम के निकल लेते हैं, घूम ही नहीं पाते हैं, घर जा ही नहीं पाते हैं। सर, अफजल अंसारी के सांसद के तौर पर काम कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा जी, क्या पता चलना चाहिए था? यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, यहाँ पे महंगाई जो उसको कम किया जाना चाहिए, चीनी मिल जो बंद है उसको शुरू किया जाना चाहिए, बाकी तमाम जो समस्याएं हैं आम जनता की, किसानों की, उस पर भी कुछ प्रयास करना चाहिए। उसके तौर यहाँ सांसद के तौर पे कुछ प्रयास किएगा अफजल अंसारी की तरफ से, कुछ जानकारी आप लोगों? कुछ नहीं, केवल ये कचहरी के सांसद बने रहे। कचहरी के सांसद, क्या मायने इसके हुए? वही पारिवारिक केस जो चल रहा है तमाम मुकदमे हैं, उसी में अपना डेट पे डेट यही सब चलता रहा। क्या नाम दोस्त आपका? अशोक सिंह। क्या करते हो अशोक? हम पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई? बीए कर रहे हैं। बीए हाँ। आगे क्या इरादा है? आगे बस कुछ नहीं, पकौड़ा तलना है। पकौड़ा तलना है? हाँ जी। तो रोजगार के लिए कुछ प्रयास नहीं करोगे? और रोजगार निकलेगा तब तो प्रयास करेंगे। अच्छा। रोजगार के मतलब क्या मायने? सरकारी नौकरी से तुम उम्मीद लगाए हो कि सरकारी नौकरी? हमारे हिसाब से उसी को कहा जाता है भैया। अच्छा। नहीं तो उसके बाद तुम अपना पकौड़ा तलने का बिजनेस शुरू ही करने वाले हैं जी। बीए आपने पढ़ाई की, कोई तैयारी की उसके अलावा? अब तैयारी कर रहे हैं। किस चीज़ की? SSC का। SSC भाई, वैकेंसी आई नहीं, तैयारी करके क्या करेंगे, फिर भूल जाएंगे। वैकेंसी नहीं आ रही है ना? जी जी जी, जो आ रही है और जो जा रहे हैं पेपर में क्या जो बताए हैं कहाँ गए, जिसे जो बता रहे थे कि सरकार लोन दे रही है रोजगार करने के लिए, हम 5 दिन से घूम रहे हैं बैंक में। अच्छा। लोन के लिए जो PMJY के वो हिसाब चल रहा है, 35% सब्सिडी है उसमें, 10 बैंक में चले गए होंगे, कोई बैंक लोन देने वाला नहीं है, बस दिखावा है उसमें। झंडा लगा घूम रहा है तो एक आदमी से बात होगी, सबसे थोड़े करेंगे, बस दिखावा किया जा रहा है कि लोन दे रहा है, और लोन देने वाला कोई नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला है। महंगाई देख ही रहे हैं आप। स्मृति ईरानी जी, उसमें 400 सिलेंडर था तो मनमोहन सिंह को चूड़ी भेजी थी, इस समय 1100-1200 रुपया हो गया। अब लग रहा है उनके पास पैसा नहीं है चूड़ी भेजने का, अगर उनके पास पैसा नहीं, आप यहाँ पैसा दे देंगे हम लोग, जाकर चूड़ी भेजें उनके नरेंद्र मोदी जी को, चूड़ी का चंदा दिया जाएगा यहाँ पे, उनके पास चूड़ी का पैसा नहीं है। अब जापान का क्योटो बनाएंगे तो शिबू अंसारी। अच्छा, क्या अंसारी परिवार से जुड़े हैं आप? नहीं 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 नहीं, परिवार से हैं? नहीं, परिवार से भी नहीं हूँ, नाम है। इतना जोर दे के इन्होंने बोला शिबू अंसारी, तो हमको लगा कि भाई भाई कुछ भतीजे लीजिए आप उनके। भाई हो सकता है, विचार अलग हो सकता है, बस भाई हैं। अरे है कि नहीं, सर पहले ये क्लियर कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ये कह रहे हैं हो सकते हैं, आप कह रहे हो नहीं 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 नहीं, सही बात क्या है? अंसारी मतलब जिसे अंसारी हो। तो कैसा रहा काम यहाँ पर अफजल अंसारी के सांसद के दौरान? देखिए, अफजल अंसारी साहब का काम कोई समझ ही नहीं पाया, इसके वजह भी वजह है कि लड़खड़ाते ही रह गए वो 5 साल तक, और उससे पहले का भी कार्यकाल बताना नहीं है। गाजीपुर की मिट्टी के बारे में आप इतना जान जाए, गाजीपुर की मिट्टी वीरों की मिट्टी है, यहाँ यूथ बेबस हो चुका है। सबसे बड़ा मुद्दा था यहाँ पे, आर्मी भर्ती हो रही थी बट उस पर रोक लग गई। अग्निवीर जो आया, आप देख ही रहे माशाल्लाह, 10+2 करके जो लड़के 50 लाख फॉर्म सबमिट किए थे UPP भर्ती के लिए, और बाद में पेपर लीक। अभी अफसोस की बात है, दर अफसोस कि जो लड़कों की उम्र 3 महीना 6 महीना साल भर रुकी होगी, उसकी तो रुक आप गई। कहा जा रहा है कि अभी उम्र बढ़ाई जाएगी वगैरह वगैरह वगैरह, हमें ऐसा नहीं लगता।
क्योंकि गाजीपुर की मिट्टी परमानेंट, आप जान जाइए कि यूथ हमेशा बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार रहता है। अब अग्निवीर जैसा वो बंदा क्या कर पाएगा चार सालों में, आदमी को समझने में वक्त लग जाता है। और ज़्यादा कुछ ना कह के आपको कम लफ्ज़ों में बता दूँ, अपनों से चेहरा छुपाया नहीं जाता, गैरों से दर्द बताया नहीं जाता, नमी आँखों में आ जाए लेकिन हर जगह आंसू बहाया नहीं जाता, हर जगह आंसू बहाया नहीं जाता। गाजीपुर की मिट्टी का आबो हवा बहुत अजीब गरीब है, लेकिन इस वक्त जो कैंडिडेट समाजवादी पार्टी, बीजेपी अब बहुजन समाज पार्टी से है, आप तीनों लोगों में अच्छे से तालमेलाप मिल रहा है, आम लोगों से मिल के पता लगा लीजिए। तीनों लोगों में दो लोग माशाल्लाह आपस में लड़ रहे हैं, एक हम लोगों के बीच डॉक्टर उमेश सिंह जी आए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, महामाना के बगिया के छात्र संघ के भूतपूर्व महामंत्री रहे और इनका एक इतिहास लंबा रहा है छात्र राजनीति के साथ साथ, अन्ना हजारे छात्र मोर्चा, मतलब तमाम ही सड़कों पे, रामलीला मैदान दिल्ली का हो या जंतर मंतर हो या लखनऊ का विधानसभा हो, घिराव से ले के लड़ाई तक, मतलब प्रशासन शासन के खिलाफ परमानेंट लड़ते रह गए। गाजीपुर का यूथ इस बार एक तरफा हो चुका है, सारे नौजवान चाह रहे हैं कि अब डॉक्टर उमेश सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जब जाएंगे। कार्यकर्ता है, समझ में आ रहा है, यहाँ बसपा की रैली चल रही थी, सब कार्यकर्ता। क्या नाम भैया आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, क्या करते हैं प्रकाश जी? हम ट्रेन धना है, यहाँ पर ट्रेन धना है। कहाँ जा रहे हैं? कलकत्ता। कलकत्ता जी, वहाँ क्या करते हैं? कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान। रहने वाले गाजीपुर के हैं ना? मऊ। मऊ जी। क्या चल रहा है माहौल वहाँ मऊ का? तब वोट देते हैं कि बस? नहीं, कल मंगा देते हैं। वोट वहाँ पे है जी? अच्छा। हाँ, तो यहाँ जैसे आए तो यहाँ कुछ बदलाव दिख रहा है, कुछ लग रहा है काम हुआ है? बदलाव खाली रोड चौड़ा हुआ है और कुछ नहीं, बस रोड चौड़ा हुआ है। हम तो कहेंगे जो पार्टी काम कर रहा है उसको वोट दें और जो काम नहीं कर उसको वोट ना दें। सभी जनता से कहा है कि जिसका है जो किसी पार्टी से हो काम कर रहा है उसको वोट दीजिए आप लोग, जो काम नहीं उसको साइड कर दीजिए। और लोकल आप यहाँ के हैं, गाजीपुर के? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश है। कैलाश है। क्या करते हैं कैलाश जी? हम तो किसान हैं। किसान हैं, कहीं से आ रहे हैं क्या स्टेशन? हाँ, मकान है ना भाई साहब का। अच्छा। आए थे, रुक गए। क्या गाजीपुर के वोटरों में क्या चल रहा है माहौल? गाजीपुर के वोटरों में सबसे बड़ा किसानों का मुद्दा है। अच्छा। किसानों पर कोई ध्यान नहीं देता, किसान ही अन्नदाता है, किसान को भगवान माना जाता है। खाद की बोरी में से जो डाई आती थी 10 किलो कम हो गई है। किसान, हाँ किसान एकदम परेशान है। जो है 5 किलो राशन दिया जा रहा है, 10 किलो जो है डाइये कम किया जा रहा है, बताइए किसान क्या करेगा। और एक तो एक जो है दिल्ली में देखिए आप धरना दिए थे किसान, कितने किसान जाड़े थे आप उसमें? आए गए नहीं तो नहीं तो देख रहे थे, 850 किसान मर गए। किसानों पर बात होनी चाहिए सबसे पहले, कोई किसानों पर बातें नहीं करता यहाँ। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो कहते हैं कि भाई किसानों के लिए बहुत किया है, आय बढ़ाने के लिए MSP तमाम बातें वो करते हैं। कहाँ MSP लागू है? MSP तो लागू ही नहीं। अब मोदी तो जुमला फेंकते हैं, वो करते कहाँ? अगर करते तो किसान खुश रहते, किसान कहाँ खुश हैं उससे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान कितना विरोध किए, पंजाब भी हरियाणा किसान भी धरना दिए थे, इसलिए मोदी की बात बन जो जुमला करते हैं। हाँ, कौन ठीक लगता है फिर आपको? जो किसानों की भलाई करे, अभी हम कह नहीं सकते कौन। इससे उम्मीद लग रही है आने वाले समय में देखा जाएगा जो सरकार आएगी करती है कि नहीं, अगर करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो इसको भी लोग बदल देंगे। अच्छा। चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे, वैसा कोई पैदा नहीं हुआ। वो कहते थे कि उनके जो पोते हैं जयंत चौधरी, वो तो बीजेपी के साथ आ गए। नहीं तो बीजेपी वो उनमें वो खूबी नहीं है जो चौधरी साहब में थी। चौधरी साहब खांटी किसान नेता थे, वो कहते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर जाता है, जब तक किसान संपन्न नहीं होगा देश का आम आदमी संपन्न नहीं हो सकता। चौधरी साहब की बात ही अलग है, वैसा कोई नेता पैदा नहीं हुआ। यहाँ जो तीन प्रत्याशी हैं, पारसनाथ राय, अफजाल अंसारी, उमेश कुमार सिंह, इनके बारे देखा जाए तो अगर हाईली एजुकेटेड देखा जाए तो उमेश सिंह का है। उमेश सिंह सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। उमेश सिंह जो है छात्र संघ के महामंत्री रहे हैं, LLB हैं, LLM हैं, नेट क्वालिफाई हैं, एजुकेटेड। मैं जानना चाहता हूँ एजुकेटेड आप लोग बोल रहे हैं, क्या प्रत्याशी की एजुकेशन के आधार पर वोट पड़ता है इस देश में? नहीं नहीं, ये नहीं, प्रत्याशी के जो है उनका एजुकेशन डिग्री क्यों गिना रहे हैं उनकी? नहीं नहीं बताया होता है उससे, उनका एजुकेशन मैंने बताया। मैं आप लोग की राय समझना चाहता हूँ, क्या इस देश में ऐसे इस तरह के वोट पड़ता है कि आप जैसे बता रहे हैं बहुत पढ़े लिखे? मैंने उनका एजुकेशन कैसे वोट पड़ता है बताओ दोस्त, कैसे पड़ता है? चेहरा पे पड़ता है, चेहरे पे पड़ता है। क्या क्या किन क्वालिटीज पे? चेहरे की, विकास के मुद्दे पे। विकास तो यहाँ पे सिन्हा जी कुछ किए थे, लेकिन यहाँ जातिवाद दिखा के सब हटा दिए गए उनको, विकास हो किए थे।
कुछ विकास हो किए थे जैसे भैया कह रहे हैं आप कह रहे हो विकास के मुद्दे पर चुनाव होता है फिर कह रहे फिर कैसे कर जातिवाद भी चल रहा है जातिवाद सबसे ज्यादा यहाँ जातिवाद फैक्ट चल रहा है पूर्वांचल में अच्छा हाँ पूर्वांचल नहीं पूरे देश में चल रहा है जातिवाद मायने क्या जातिवाद मायने मतलब कि जैसे यादव कुशवाहा मुस्लिम ऐसे बैकवर्ड देख के फॉरवर्ड देख के चलता है यहाँ पे हाँ आदमी आप कह रहे हो कि जिस जो प्रत्याशी होता है उसमें अपनी जात ढूंढता है हाँ। और उस आधार पे तय करता है कि वोट किसको देना जातिवाद पे सिंबल पे हाँ मनोज सिन्हा कैसे थे सांसद के तौर पे ठीक थे ठीक ठाक थे अच्छा सांसद के तौर पर ठीक नहीं थे मंत्री जो थे वो मंत्री अपना मंत्री बन के काम ठीक ठाक किए हैं अच्छा हाँ पिछला पाँच साल कैसा रहा पिछला पाँच साल तो आप देख ही रहे हैं दिखाइए नहीं दिए वो अफजाल अंसारी जी नहीं तो मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे कि विपक्ष का जब आदमी सांसद बनता है और सरकार दूसरी होती है तो क्षेत्र में कैसा काम होता है उसको आप लोग कैसे देखते हैं कैसा काम हुआ है यहाँ पर सरकार की तरफ से उसकी कुछ योजनाएं पहुँची हैं उसके तहत भाई प्रदेश में सरकार तो योगी जी की तो कोई नहीं दिख रही है पाँच साल में कोई नहीं योजना दिख रही है यहाँ पर कुछ नहीं दिखाया आज तक एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है इतना पिछड़ा जिला है एक यूनिवर्सिटी नहीं है यूनिवर्सिटी के लिए तरस रहा है गाजीपुर आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी हो गया बलिया में हो गया गाजीपुर में यूनिवर्सिटी का क्या विकास है कौन नेता विकास करे एक इंडस्ट्री नहीं है एक अफीम फैक्ट्री उसे यहाँ के लोगों को क्या फायदा है कोई फायदा जिस जिले में इंडस्ट्री नहीं हो जिला अति पिछड़ा माना जाता है गाजीपुर सबसे पिछड़ा जिला है कैसे कहेंगे कोई विकास किया कोई नहीं विकास किया क्या नाम है आपका अशोक कुमार क्या करते हैं अशोक जी जिले के नए हैं प्रयागराज के हैं प्रयागराज के यहाँ क्या कर रहे थे यहाँ नौकरी करते हैं तो वोट प्रयागराज में ही है अब कल है जा रहे हैं देने जा रहे हैं वोट देने ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्या दिख रहा है माहौल प्रयागराज में अब सर वहाँ थे नहीं जहाँ रहते नहीं नौकरी यहाँ है तो यहाँ का जब रहे ही नहीं क्या झूठी बात है और कौन है भैया यहाँ गाजीपुर रहने वाले आपसे तो बात हुई वोट बन गया तुम्हारा नहीं मुद्दे तो मेरे भी हैं अच्छा वोट बना के कितने साल के हो भी तो 12th में पढ़ता हूं बता रहा हूं 12th में होने साल उम्र कितनी 17 मतलब एक साल बाद वोट डालने लगे एलिजिबल हो जाओगे 27 के विधानसभा चुनाव में डालो क्या मुद्दे तुम्हें क्या लगता है काम हुआ है नहीं हुआ है 12th में पढ़ रहा हूं और 3500 रुपये फीस भर रहा हूं यहां के आप सरकारी स्कूल की हालत देख सकते हैं बगल में यहीं पे है सर अब यहाँ पे क्या कोई पढ़ने जाए बारिश हो तो चू जाए घर में गिर जाए पता ही नहीं चलेगा 3500 रुपया फीस दे के पढ़ रहा हूँ अब आप शिक्षा का आप विकास देख लीजिए क्या है 3500 रुपया फीस दे के हम लोग पढ़ रहे हैं आगे हम लोग को नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी वैकेंसी आएगी नहीं मिलेगी उसका पता ही नहीं है और अगर हम लोग नौकरी की अगर बात कर दें तो वो लोग कहेंगे कि सरकारी नौकरी क्यों ज़रूरी है अब सरकारी नौकरी क्यों नहीं ज़रूरी है सर 35,000 रुपये पे जाके जो 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए बीटेक की फीस दे के पढ़ रहा है बीटेक कर रहा है बंदा वो 12,000-15,000 रुपये तो नौकरी करने कभी जाएगा ही नहीं और अगर हम लोग सरकारी नौकरी की बात कर दें तो वो कहते हैं कि पकौड़े तलो वो कहेंगे कि कुछ और कर लो कुछ अपना रोजगार दे दो अब रोजगार के लिए हम लोग ठेला लगा लें सर कुछ काम कर दें तो लगते हैं यहाँ पे मार के भगाने कहेंगे कि निजीकरण कर रहे हो रोड भर दे रहे हो टेम्पू चलाने लगेगा तो उससे कहेंगे कि स्टैंड का फीस दो कुछ कर दे ऐसे कर देते हैं लोग और सर देखिए अब हम लोग दिल्ली का देख रहे हैं जेई मेंस और नीट का पेपर होता है सर 10 साल में केजरीवाल आए उन्होंने मतलब जहाँ पे कुछ नहीं निकलता था वहाँ पे जेई मेंस और जेई नीट्स में मतलब बहुत बच्चे निकलने लगे 1000-1200 निकलने लगे सरकारी स्कूल से और यहाँ का ये हालत है कि सर सरकारी स्कूल से तो आप जेई में छोड़ दीजिए आप सरकारी CUT का अगर पेपर आपका दे तो नहीं निकल पाएगा किसी बच्चे से यहीं पे सरकार क्यों नहीं निकल पाएगा क्या कारण है कारण ये कि पढ़ाई नहीं होती है टीचर ही नहीं है वहाँ पे आएंगे बैठे रहेंगे अब यहाँ के बच्चों को देख लीजिए तो 12 में भी हैं सिगरेट लगेंगे पीने गुटखा लगेंगे पीने टीचर कोई दिक्कत ही नहीं है टीचर साथ में सुर्ती बना रहा है टीचर कोई मतलब ही नहीं है हम लोग हैं सर 3500 रुपया फीस दे रहे हैं और ये लोग कहते हैं कि मतलब कि कहाँ शिक्षा के हम लोग को इतना बढ़ा दिए सर शिक्षा बढ़ा दिए तो प्राइवेट स्कूलों की फीस जाके एक बार शिक्षा पे काम होना चाहिए सरकारी स्कूल जो है उनकी स्थितियाँ सुधरनी चाहिए हाँ, ये कह रहे हो हाँ। तो ये 3500 जो तुम फीस बता रहे हो साल भर की है नहीं नहीं महीने की प्राइवेट स्कूल की मैं बात बता रहा हूँ प्राइवेट स्कूल जब सरकारी स्कूल नहीं पढ़ा पाएगा तो प्राइवेट ही स्कूल में बच्चा पढ़ने जाएगा ये तो एकदम सोचने की बात है अब सरकारी स्कूल की हालत देख लीजिए सर आदर्श है आदर्श मैं पूछ दूं कि अगर एक भी बच्चा IAS चाहे एक भी बच्चा हर साल और एक बच्चा भी जेई मेंस निकालता है चाहे जेई क्वालिफाई करता है नीट क्वालिफाई करता है बड़े बड़े क्लैट क्वालिफाई करता है कोई भी अगर एक बच्चा भी उसमें से क्वालिफाई करता है तो मैं छोड़ दूंगा क्या कहते हैं सेंट जॉन्स में पढ़ता हूँ सेंट जॉन्स में पढ़ना छोड़ दूंगा उसमें पढ़ना चला जाऊँगा अगर इतना अच्छा पढ़ाता है तो अच्छा हाँ
गए तुम कभी? तुमने प्रयास किया वहाँ जाने का? बच्चों से बातचीत? आस पड़ोस के बच्चे पढ़ते हैं, मैं देख रहा हूँ किस हालात की पढ़ाई हो रही है। किसी दुकान पे कोई काम कर रहा है तो कहीं कुछ काम कर रहा है, ना तो उसका मनोबल दिया जा रहा है ना तो कुछ बढ़ाया जा रहा है। सर हर एक चीज़ शिक्षा से शुरू होती है सर। एग्रीकल्चर की इन्होंने बात की सर, कोई भी मतलब आए, कोई भी सरकार आई है, एग्रीकल्चर की बात करते हैं। एग्रीकल्चर में मैंने देखा कि एग्रीकल्चर इतना बड़ा हम लोग का मुद्दा है, यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग का इतना ज़्यादा होता है, पूरे यूपी को क्या कहते हैं कि बास्केट ऑफ वीट कहा जाता है, और यहाँ से एक बोड़ी भी अगर बाहर चला जाता होगा तो बहुत बड़ी बात है। ये तो मैं पूछना ही चाहूँगा। मुद्दा चले गए। क्या नाम है आपका? क्या नाम? सोमेश्वर शर्मा। सोमेश्वर शर्मा। अच्छा, क्या करते हैं आप? तो एनिमल हस्बेंड्री में से रिटायर हो। रिटायर होकर रहने वाले यहीं के? गाजीपुर के? नहीं, रहने वाले बलिया। बलिया के हैं? यहाँ क्या कर रहे थे? यही मकान बना के। वोट कहाँ पे है? वोट यही। वो तो है भैया, पूछ सकते हम भी तो स्वतंत्र हैं, पूछ सकते हैं ना। तो वोट यहीं पे गाजीपुर में है, तो बस यही की हो गए फिर आप? जी हाँ, वोट वहाँ का आदमी। क्या लग रहा है माहौल चुनाव में? अच्छा है। अच्छा, कौन आगे दिख रहा है? अभी तो कुछ कहा नहीं जाएगा। अच्छा अच्छा, ये बताइए, जैसे गाजीपुर जिला लोकसभा खास तौर पे तब और चर्चा में आ गई जब मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आई, और उसके बाद जो चीज़ें हुई उसके बाद कहा गया कि उसका असर चुनाव पर भी पड़ेगा। मैं आपसे, गाजीपुर वाले हैं सब आप लोग, गाजीपुर के वोटर हैं, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि उस चीज़ का, उस फैक्टर का चुनाव पर कोई असर पड़ने वाला है? क्या नाम है आपका? वैसे मोइनुद्दीन नाम है जी। क्या करते हैं मोइनुद्दीन जी? हम छोटा सा फेरी अपना करते हैं। अच्छा। और यूट्यूब चैनल चलाते हैं। यूट्यूब चैनल चलाते हैं जी। क्या दिखाते हैं उसमें? जो भी गाजीपुर की समस्या है और जो आम जनता की समस्या है, वो इस समय जो भी हम लोग कवर कर रहे हैं, जैसे नुक्कड़ सभा है और आम जनता से पूछ रहे हैं, तो ये समझ में आ रहा है कि ये भारत के जनता के पास एक ऐसा सेंटिमेंट है कि अगर कुत्ते को भी चोट लग जाती है तो कहता है। तो इसलिए जो अगर मुख्तार की जो मृत्यु हुई है, वो स्वाभाविक इंसानों ने सोच ही लिया है कि नहीं नहीं यार, अच्छा आदमी था, छोड़ जाने तो जो कुछ भी हुआ, अब तो मर गया ना, अब हम उसके साथ ही रहेंगे, ऐसा सेंटिमेंट बना हुआ है। हाँ, और थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर लोगों को ये थी कि मनोज सिन्हा आएंगे या उनके लड़के आएंगे, या गाजीपुर में एक से एक भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज हैं जो इस चुनाव को लड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन जिस दिन ऐलान हुआ पारसनाथ राय जी का, उस दिन जब हमने लोगों से बात की तो उनका मनोबल टूट गया। वो बोले कि नहीं नहीं, ये हमें कैंडिडेट नहीं चाहता, लेकिन फिर भी हम जो हैं वो तो, हम तो पार्टी के लोग हैं भाई, हम मानते हैं इन्हें और हम इन्हें वोट देंगे ही देंगे, लेकिन हमारे पास वो उत्साह नहीं है कि अगर हम वो करें। तो इस तरह से हम लोग जो घूम रहे हैं और देख रहे हैं, तो ये समझ में आ रहा है कि अभी जो ज़मीन पर दिखाई दे रहा है वो वाकई 80-20 की लड़ाई दिखाई दे रही है। अच्छा। हाँ, अभी अभी जो मैं आपको बता दूँ कि कल जो है भुतैया ताड़ पर इनका जो नुक्कड़ सभा हुआ था, और लगभग 25-50 कुर्सियाँ लगी हुई थी, मगर वहाँ लोग नहीं दिख रहे थे। और वही मैं, हम लोग अब आज फिर मैं जा रहा हूँ नुक्कड़ सभा में अफजाल अंसारी के, वो वहाँ पर लकड़ी के टाल पर, तो लकड़ी के टाल पर वहाँ भी उनका नुक्कड़ सभा है और हजारों हजारों की संख्या में जो है वहाँ पर भीड़ आ रही है। आप कह रहे हैं कि पारसनाथ राय लड़े तो उससे कार्यकर्ताओं में, लोगों में उत्साह नहीं? नहीं, उत्साह नहीं। मनोज सिन्हा आते, कोई और बड़ा नेता हो? मनोज सिन्हा आते, अरुण सिंह आ जाते हैं। अरुण सिंह भी अगर आ जाते हैं तो ये जो अभी गाजीपुर की जनता जो है थोड़ा सा उनके अंदर जो मायूसी है वो खुल करके सामने आ जाता है। देखिए क्या है कि जो वो रिंग होता है ना, रिंग में अगर दोनों पहलवान एक जैसे हो, जैसे आप यूँ समझ लें कि भारत पाकिस्तान की अगर लड़ाई हो जाती है तो मज़ा आ जाता है। अच्छा, और उसे मजा आ जाता है, हम मतलब मेरी चोटी लगा देते हैं। बहुत नुकसान होता है इसी बात। अरे नहीं, वो नुकसान बाद में होता है, पहले हमारी टीवी भले ही फूट जाए लेकिन एड़ी चोटी लग जाता है कि भारत जिंदाबाद। क्रिकेट मैच की बात कर रहे हैं? हाँ, तब ठीक है, हम लोग का युद्ध की बात। नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, टीवी फोड़ने की बात की तो समझ में। हाँ, तो वो तो उसी तरह से ये भी हमारा जो रिंग है, ये भले ही चुनाव है, एक ये भले ही चुनाव है, लेकिन अब जो है एकदम युद्ध स्तर पर चल रहा है, साम दाम दंड भेद लगाया जा रहा है, हर तरह से हम कैसे भी युद्ध जीत जाए, अब चुनाव नहीं समझ में आ रहा है। तो ये जो अभी जो चुनाव सामने आ रहा है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति अरुण सिंह आ जाते हैं या कोई और व्यक्ति आ जाता तो फिर हम लोगों को बाइट भी लेने में मज़ा आता और बात भी करने में मज़ा आता। चुनाव नीरस हो गया या वो गाजीपुर का ये हॉट सीट बनने वाली थी, गाजीपुर हॉट सीट नहीं है अब, तो ये शॉर्ट लग गई।
अच्छा। हाँ यहाँ शॉट लग गई लोगों को, हार्ट की जगह यहाँ शॉट हो गई। वो लोगों में उत्साह, वो मजेदार क्या बोलना चाह रहे हैं जी बताइए। हाँ वो सही कह रहे हैं, कैंडिडेट कमजोर मिल गया, जमीनी पकड़ नहीं है, इसे शौक लग गया। बोलिएगा वही चीज हम भी कह रहे हैं, थोड़े बोल रहे हैं। अगर हाँ अगर क्या हो, अरे शांति से सुने फिर जवाब दिया, बात किया जाएगा। जी क्या नाम है सर आपका? हो गई बात, मुझसे बात कर रहा है, मैं डॉक्टर एमसीलाल एडवोकेट हूँ। अच्छा वकील साहब, तो रहने वाले यही क्या है गाजीपुर के? हाँ गाजीपुर जिले का ही। अच्छा, तो चुनाव चल रहा है, जैसे भाई साहब ने कहा कि चुनाव थोड़ा नीरस हो गया है, तो मैं आपके जरिए, क्योंकि आप तो भाई वकील साहब है, कचहरी में बैठते होंगे, पूरा क्षेत्र का आदमी आता होगा, क्या दिख रहा है? देखिए सर एक चीज़ बता दें, हमें ये कहने में शर्म आती है कि हम गाजीपुर जिले के रहने वाले हैं, हमारी पहली प्राथमिकता मेरी जात है, जात के नाम पर मेरा लार टपकने लगता है, धर्म के नाम पर मेरा लार टपकने लगता है। हम बुद्धिजीवी हैं, यहाँ ये मेरे भाई साहब कह रहे हैं कि हम पारस राय को कोई जाने में ढीला हो गया। अरे मनोज सिन्हा 25,000 करोड़ यहाँ खर्च किया, कौन नहीं जानता था, क्यों हराया? तो यहाँ पहले जानिए, मुझे शर्म आती है कि मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ, जाति मेरे लिए पहले है, यह देश और गाजीपुर का विकास नहीं है। आप जानते हैं कौन बात करेगा यार? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 400 लोगों के पास दिमाग हो, जाति और धर्म का बोध ना हो, तो 500 से ऊपर मिलना चाहिए। आप हमसे डाटा लीजिए, भाजपा के कार्यों का लीजिए और लीजिए। क्या किया है काम, क्यों मिलना चाहिए 400 काम? हाँ बस, अगर मैं मुझे कितना आप समय देंगे, मैं 20 मिनट इस पर बोल सकता हूँ, तो मैं उस हिसाब से गाजीपुर के लिए शुरू करें। गाजीपुर का कृपया आप शांत रहे, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ, माफी चाहता हूँ। गाजीपुर के संदर्भ में सर आप सुने, पहली चीज, भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हमारा कोई सांसद मंत्री बनता है, और पहली बार इस गाजीपुर में कोई न कोई काम हुआ, कोई काम नहीं हुआ। यह रेलवे लाइन, यह रेलवे का पुल, आप अगर लोकल हों या बाहर के हों, पुल का जाना छोड़ दीजिए, ऊपर से बस का जाना छोड़ दीजिए, कभी आप पैदल जाइए, बाइक से जाइए, जब नीचे हम खड़ा होते हैं, जब एक लाइन मेट्रो टाइप गाजीपुर घाट जाती है, एक लाइन गाजीपुर आती है, रोड वाली लाइन जाती है, उसको देख के हमको लगता है भाई साहब कि हम क्या हिंदुस्तान में रह रहे हैं। दूसरा सुनिए, मैं मर्द के आगे का हूँ, मैं यहाँ हैदरिया एक जगह बोली जाती है, हम लोग हैदरा कहते हैं, वहाँ पर जिस तरह से गंगा एक्सप्रेस वे आती है और हमारी बनारस से गोरखपुर की जाती है, जिस तरह का टर्न और सब जब रात के अंधेरे में हम लोग देखते हैं, मेरा दावा है कि हमें सोचने में दिक्कत हो जाएगी कि हम बंगलौर में हैं कि हम गाजीपुर जिले के गांव में हैं। और सुनिए सर, सुनिए 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 सुनिए, गाजीपुर से बनारस जाने में इसी 2014 के पहले हमें 4 घंटा लगता था, आज हमारे पास साधन हो तो हम 1.5 घंटे में जाएंगे, गोरखपुर हम 6 घंटे में जाते थे, आज हम 3 घंटे 2.5 घंटे में जाते हैं। और सुने, और काम सुने, बात सुनिए, जैसे आप जो गिना रहे हैं ज्यादातर वो रोड प्रोजेक्ट्स हैं, है ना? अभी जैसे कुछ नौजवान साथी यहाँ थे, उन्होंने रोजगार के विषय में सवाल किया, उन सवाल सुन लीजिए, है ना? उन्होंने कहा भाई कि नौकरी मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी तो होती नहीं, मैंने कहा, तो उनका कहना था भाई कि अगर फिर प्राइवेट नौकरी के लिहाज से देखें तो क्या है, तो रोजगार के लिहाज से क्या हुआ है? हाँ बस हमारी बात सुने, इसमें भी मैं एक दुर्भाग्यपूर्ण बात कहूंगा कि हमारे देश में पॉलिटिकल एनार्की है, हम विपक्ष में हैं, हमारा काम खाली आलोचना, रोजगार नहीं। अरे रोड मैप दो समाजवादी पार्टी के लोगों, इंडी गठबंधन के लोगों, कि तुम अगर सत्ता में आओगे, आप डाटा हमसे लीजिए, 40 करोड़ लोग इस देश में 18 साल से 42 साल तक हैं, मुझे रिटायर हो गया हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि शेड्यूल कास्ट को कब तक नौकरी मिलती है, मैं जानता हूँ कि 18 से 42 40 करोड़ युवा इस देश में है, नौकरी का डाटा हमसे लीजिए भाई साहब, पूरे प्राइवेट में, रेगुलर में, राज्य और यहाँ लेके 7 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, मुझे 33 करोड़ का डाटा दे दे इंडी गठबंधन कि किस तरह से इस जमानों को नौकरी दिया जाएगा। सुनिए, और काम हम बता रहे हैं आपको, अभी आइए ईपीएफओ का डाटा आप चेक करिएगा, आप एक किस चैनल से हैं मैं देख लूँ, हाँ तो आप एक जिम्मेदार चैनल के हैं, गूगल पर चेक करें, 2014 से 2024 में 6 करोड़ लोग ईपीएफओ में योगदान बढ़ा, इट मीन्स कि कोई ना कोई संस्था, प्राइवेट ही सही, उसने नौकरी दिया तब ना हमारा फंड कटेगा। और आइए, एक कंपनी है जो जिस तरह की कंपनी 100 थी आज 150 हो गई,
और अभी मैं उस चीज़ को आर्ट साइंस का विद्यार्थी हूँ, मैं पकड़ नहीं पाया। उस तरह का करने के लिए 1.5 बिलियन की जब हमारी कैपिटल होगी तब हम उस टाइप का कंपनी बनेंगे। हमारी 2014 में, और एक डाटा का और लीजिए, हम स्टेट बैंक से रिटायर्ड चीफ मैनेजर हैं, मैं यहाँ वकालत करता हूँ। हमारे स्टेट बैंक जो 1955 में खुला, आज की डेट में 1,80,000 इम्प्लाई हैं। आप पता करिए, नोएडा में 2 साल पहले ओपन ने अपनी संस्था खोला, उसके इम्प्लाई की संख्या 1,60,000 है, 1,60,000 है। और एक जान लीजिए, ये जो सड़क बन रही है, रेलवे में विकास हो रहा है, हिंदुस्तान का कौन सा शहर नहीं है भाई कि जहाँ रेलवे में काम नहीं हुआ। हम इसी सहेड़ी यही बात सूचक में जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि ये स्टेशन है कि हाल्ट है। और पूरे इस देश में रेलवे में काम हो रहा है, रोड का सुनिए, अमेरिका के बाद भारत दूसरा है रोड नेटवर्क में। सुनिए, 1,36,000 दूसरा नेटवर्क हम अमेरिका के बाद हैं, बाकी सबसे आगे हैं। आइए रेलवे में हम चौथा नेटवर्क हैं। और मैं बता दूं कि यहाँ जितने लोग खड़े हैं हिंदुस्तान के किसी स्टेशन पर गए हों, क्या भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया? तो क्या ये रोबोट काम करते नहीं? पिछला चुनाव हारे मेरा ऊपर एक लाइन में पूरा होना दीजिए। हसुआ का बिया हो गया। अरे सुना, मेरी बात सुने, हसुआ का बिया हो गया। अरे यार, ये एक मिनट खत्म होने दीजिए। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है, पता है नहीं? नहीं सुने, जीत रहे। अरे अरे यार, क्या बताइए यार, इनके राहुल गांधी नहीं टिक पाएंगे। आप बात सुने, सुनिए सुनिए। अरे सब लोग नहीं भैया, बोल रहे क्या कह रहे हो? किसी को क्या चाहिए? मेरे बाबू रुक जाओ। मैं पूछ रहा हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल हिंदुस्तान के सारे रेलवे स्टेशनों पर हाईवे और रोड, प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाए, क्या रोबोट काम करता है? इस देश का नागरिक काम करता है, इस देश का मजदूर करता है, टेक्निकल इंजीनियर करता है, चाहे IIT किया हो, चाहे BTech किया, तो क्या वो रोजगार नहीं मिल रहा है? आप बताइए क्या? आप आइए यहाँ पर, सब यहाँ है। क्या नाम है आपका? अंकित सिंह। उनको क्या चाहिए? सबको रोजगार चाहिए, किसानों क्या चाहिए, मेन मुद्दा यही ना है देश का, रोजगार, बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, किसान के लिए एमएससी चाहिए, और सबके लिए बिजनेस चाहिए। GST भी बढ़ रहा है यहाँ पर, कोई बात नहीं कर इस पर, GST बढ़ रहा है। हम चले ना, आपका हो गया ना, और कुछ समझना हो तो जिस क्षेत्र में पूछिए। रुक जाइए, बीच भी पहला है ग्रेजुएशन में, हाईएस्ट GST लगाया है BJP, पढ़ाई पर, शिक्षा पर सबसे हाईएस्ट लगाया है GST पढ़ाई पर। और जो अमेरिका, ये इंग्लैंड है, जो फ्री ग्रेजुएशन दे रहा है सबको, बताइए कहाँ बढ़ेगा हम लोग का ग्रेजुएशन? पढ़ाई कहाँ बढ़ेगा, बच्चों को पढ़ेगा? इसमें कोई नहीं ध्यान दे रहा है बच्चों का भविष्य। रोड तो चाहिए, तो रोड बना है तो यूनिवर्सिटी में बना है, रोड जो बना है मेन में रोड बना है, कंपेयर कर रहे हैं अमेरिका का। रोड अच्छी बनी है तो मगर जब आपके बातों पे मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। एक शायरी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जो है मठालू, ऐसे नाम है मठालू जी, लोग जो कहते हैं वही वकील साहब। इन्होंने जो कहा मजदूर पे, तो मजदूर पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि फैसला जो कुछ भी हो वो मंजूर होना चाहिए, और जंग हो चाहे इक्स हो, भरपूर होना चाहिए। और उम्र बीत गई जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। इसी मजदूरी पे मैं, हमको ये बात माइंड में आ गया तो मैं कुछ कहा, बस आप बात कीजिए वकील साहब से। उम्र बीत गई जिनकी पत्थर तोड़ते, अब इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। ये पार्टी के जिम्मेदार लोगों से बस यही मैं कहना चाहता था, आप बात कर लीजिए, समझाइए तो कहें। अब यही तो आज शेर मार दिया बढ़िया सा, जर्नलिस्ट है, एक्सप्लेन करिए इसको। हम लोगों की वो बात नहीं है कि जो आपको हम समझा सके, जो मैं कह दिया एक शायरी में ही मेरी बहुत सी बातें हो गई। अच्छा। वकील साहब ने मजदूर की बात किया, बस मजदूर पे मैंने कह दिया कि उम्र बीत गई जिनका पत्थर तोड़ते, अब इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। हेलो, आप कह रहे हैं कि जो मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला है, ये कहने के तात्पर्य क्या मिलना चाहिए था? अब उनका जो हक है जो करते हैं, ये पार्टी के जिम्मेदार लोगों को, मतलब ऐसा मामला है जी। तू पहले शांत रहा कहा गया शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, कातिले ही मुजली में कातिले सिपाही है। ये बात करते हैं लोग,
यही हमारे मनमोहन सिंह की सरकार था तो पर ईयरली वैकेंसी निकलता था, बच्चे से भर्ती होते थे। इनके सरकार में पेपर लीक हो जा रहा है। सबसे समस्या तो नौजवानों का है, बेरोजगारी चरम सीमा पर, महंगाई चरम सीमा पर। कहा गया कि इनका ये मंदिर, स्टेशन और सड़क, ये तो इनका फंडा है। धर्म के नाम पर धंधा, जात के नाम पर दंगा, राम के नाम पर मांगे चल रहा है। ये तो बीजेपी का फंडा है, जियो फंडा है। तुम सबको जियो से पंकज उठा देखिए 4 जून को क्या करते हो पंकज जी? मेरा दुकान है घर पे, ऑटो भी चलाता हूँ। 4 जून को क्या लग रहा है इस बार चुनाव में माहौल क्या दिख रहा है? बता रहा हूँ मैं गाजीपुर में, इसलिए कि यहाँ पे बता नहीं पाऊंगा, साफ से बता रहा हूँ। 4 जून को मोदी की सरकार आ रही है, पूरा देश कह रहा है, हम नहीं बोल रहे, पूरा देश कह रहा है 4 जून को। गाजीपुर में भी हकीकत पूछिए, 2000 जैसे 14 में मनोज सिन्हा जीते थे, जितना वो किए थे, जनता ने पता नहीं क्या सोच के उनको अनदेखा कर दी। और बाद में जब चुनाव क्या हुआ, जब मनोज सिन्हा हार गए तो गली गली हर चौराहे में, हर जगह हर चौराहे में मैंने गया, मैं ये सुनता रहा यार अफजल अंसारी को जिता कर अच्छा नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं। हम मनोज सिन्हा थे तो कम से कम रोज़ हर महीना 3 महीना पर एक ट्रेन मिलती थी, एक रोड बनता था, कुछ ना कुछ होता था। ये 5 साल कोई मतलब नहीं रह गया, जीत ले कोई मतलब नहीं रह गया। अभी भी अब समय है, अभी एक हफ्ता बचा है, सोच समझ के जनता वोट करे। मोदी की सरकार आ रही है, अगर बीजेपी जीतेगी जिस तो मुद्दे पर गाजीपुर को, जिस मुद्दे पर प्रधानमंत्री तो आए थे, मोदी की सरकार बनी रही है गाजीपुर, हो गया, जिस और बोलने दीजिए, हो गया बस। अरे आपकी बात समझ गए हम, एक सेकंड और बोलने दीजिए बस, बोल ले भाई, बोल ले, एक सेकंड बस, बोल ले। अगर भैया अगर गाजीपुर से भी मोदी का सीट निकलेगा तो भैया हम लोग के लिए बहुत फायदा है, कुछ न कुछ मिलेगा। अन्य लोग को जिता के कोई फायदा नहीं है। देखिए अपने 5 साल फिर पैर पे अपने कुल्हाड़ी मारना है बस, हम इतना ज्यादा बोलेंगे कुछ नहीं कहेंगे। मोदी की सरकार आ रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार थी पिछले समय यहाँ गाजीपुर में, ट्रिपल इंजन की सरकार थी। यहाँ की विधायिका संगीता बलवंत, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी, और नीचे आज 6 बार से इस पूरे शहर में जो है भारतीय जनता पार्टी के वो चुने जा रहे हैं अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष। लेकिन आज किसी भी छोटे कारोबार से जाकर के पूरे शहर की हालत पूछ लीजिए, वो 4 साल से आज सीवर खनवा रहे हैं और उनको पता ही नहीं कि कब तक मैंने टेंडर दिया है और कब ये कंप्लीट होगा। यहाँ टोटो वाले बेचारे हैं, हालत ख़राब हो गई है, किधर किधर से रोड निकाल के जा रहे हैं। किसी को प्रधानमंत्री मोदी से कोई भी बैर नहीं है। मैं और मेरी वाइफ दोनों जाके 2000 उसमें वोट देने के लिए वो तत्पर एकदम तैयार थे कि हम जाएंगे। क्यों? जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं गुजरात मॉडल लाने वाला हूँ, पूरे भारत में गुजरात मॉडल लागू करूंगा। तो हम लोगों ने इसको सुना। मॉडल क्या था? उन्होंने कहा कि मई जून के छुट्टी में जब हमारे यहाँ ये छुट्टी हो जाती है तो आईएएस और पीसीएस रैंक के जो ऑफिसर होते हैं वो गांव-गांव जा करके और इकट्ठा करते हैं औरतों को, और उन औरतों में 70% महिलाएँ होती हैं जो बुर्का लगा करके आती हैं, 70% महिलाएँ। और फिर हम वहाँ शिक्षा का स्तर इतना बेहतरीन करने जा रहे हैं कि इसी शिक्षा पर मैं लोगों से कह रहा हूँ कि मुझे एक मौका दे और फिर मैं पूरे भारत को इस गुजरात मॉडल पे लेकर के आऊंगा। हुआ क्या? बहुत लंबा मत बोलिए, इतना लंबा लंबा तो गया फिर। एक आदमी की बहुत लोज बात करनी है। जी जी जी, बेहतर। तो हमने यही सोचा कि नहीं, इस बार हमको प्रधानमंत्री मोदी ही को वोट देना है। और जा करके हम लोगों ने प्रधानमंत्री अभी का क्या है आज के डेट में, अगर वो शिक्षा पर कोई बात करे तो बताइए। बच्चे ने कहा 18% जीएसटी लगा दिया पढ़ाई पर। जीएसटी तो फ्री होनी चाहिए, अरे पढ़ाई तो फ्री होनी चाहिए हर बच्चों को। लेकिन आज जो 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 हर हाल में बच्चे जो है बच्चे, हाँ नहीं नहीं क्या कह रहे हो पीछे साबित रहो, क्या नाम है आपका? मुकेश राज। मुकेश राज, क्या करते हो? कुछ नहीं, बस अभी तो पढ़ते हैं। पढ़ते हो? हाँ। क्या लग रहा है चुनाव में? गाजीपुर के हो? हाँ, गाजीपुर के रहने वाले हैं, गाजीपुर बिनो थाना के। क्या हाल लग रहा है पीछे? जो गाजीपुर का विकास कर रहा था उनको तो हरा दिए, तो कहाँ से गाजीपुर का विकास होगा? मनोज सिन्हा की बात? हाँ, मनोज सिन्हा की बात करें, वो इतना दिक्कत नेता थे, उनको हराते हैं तो गाजीपुर का विकास कहाँ से होगा? तो इस बार आप लोग, मनोज सिन्हा तो आते रहते हैं उस क्षेत्र में, आप लोगों का आने की आप ही लड़ी है?
आप लोगों ने मनोज सिन्हा से कहा नहीं? अब देखिए जवाब, देखिए हमसे जवाब तब लें जब कोई इंटरफेयर न करे। और अभी आपका एक प्रश्न नहीं पूरा हुआ कि गाजीपुर में क्या काम हुआ। मैं 60 में पहले उसको हमको सुन लीजिए आप कि क्या काम हुआ। आइए, उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां भाजपा सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या स्पोर्ट्स कॉलेज नहीं। यहां पर हुआ? बिल्कुल, यहां मेडिकल कॉलेज खुला हुआ। सुनिए, अरे सर, मेरा निवेदन है कि आप जितना सवाल करें ये लोग क्या बात करेंगे यार। जिसको दिमाग लगा के वोट नहीं देना वो मेरे बातों को सुन नहीं सकता। आप पहले सुनिए। नहीं, अरे हाँ, तो पहले वो खिला, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अब हमसे ये ना पूछें आपकी गाजीपुर का क्या प्रोडक्ट है, लेकिन सारे डिस्ट्रिक्ट का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। गाजीपुर का नहीं पता आपको? हाँ नहीं पता, मैं पहले ही क्षमा मांग लिया। बाल हैंगी? नहीं, सुनिए, अरे ठीक, मैंने बोला कि एक डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, सड़कों का जाल, और आप गाजीपुर में अभी प्रस्तावित 2-3 ऐसी सड़कों की योजनाएं हैं जो इधर, हाँ इधर से जाके गंगा पुल बनेगा, जंगीपुर से जाके वहाँ मिल रहा है गंगा एक्सप्रेसवे से, सैदपुर से 1 करोड़ आके कासमाबाद होते हुए 12 चोर होके आके मिलेगी। तो गाजीपुर, जहाँ मैं बताऊँ कि 2014 में पहली बार इस अंधेरे शहर में एक दिया जला था, इसके पहले हम अंधेरे अंधेरे कोई किसी सांसद का इस जिले में काम नहीं बता। इस बार बताइए क्या चल रहा है चुनाव में, क्या माहौल दिख रहा है? देखिए ऐसा है, जो राम को लाए उन्हीं को लाए। अरे बिल्कुल बेटा, एक सेकंड, जो राम को लाए उन्हीं को लाए। मोदी कौन होते हैं राम को लाने वाले? भगवान को? भगवान को इंसान लाएगा? बीजेपी का है। रुको यार, इंसान लेकर आएगा भगवान को? सांसद राम को क्यों नहीं लाया? सब लोग मत कर आप लोग कर लीजिए, हम चले इन लोगों से बतियाइए। आराम से, आराम से। इस बार क्या लग रहा है? इस बार ऐसा है, इस बार ऐसा है कि मैं पहले ही कह रहा हूँ कि यह दुर्भाग्य का विषय है कि हम जाति के ऊपर बात करते हैं, लेकिन हमने जो जाति का आंकड़ा तैयार किया है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी 50,000 वोटों से जीतेगी। और दूसरा कारण समझिए, मैं ला के बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, रिटायरमेंट के बाद गया हूँ, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आप जहाँ भी रहेंगे ये सुनिएगा, अब जाल भाई लड़ने लायक नहीं रहेंगे। अच्छा, हैं? यदि रहते तो भी भाजपा यहाँ 50,000 से क्यों जीतती? अब जाल भाई पाए थे 5,63,000, जिसमें बहुजन समाज पार्टी का भी गठबंधन था। आज बहुजन समाज पार्टी ने भी सशक्त कैंडिडेट दिया है। 200 लोग आज इस गाजीपुर के शहर के सड़कों में गलियों गलियों छान रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली और BHU से लड़के आए हुए हैं। मेरा कहना है कि बसपा भी लड़ रही है। जो 2,00,000 वोट बसपा का अफजाल भाई पाए थे, तो 5,63,000 में 2 घटाइए 3,63,000, और कुछ ऐसे वोट जो उमेश भाई को मिल रहे हैं वो वोट मनोज सिन्हा को भी नहीं मिले थे। और मेरा दावा है कि जहाँ से असंतुष्टि थी वहाँ ये पारसनाथ राय जी उससे ज़्यादा उठ पाएंगे। तीसरा मेरा, मुझे सुनिए कि यहाँ का परंपरागत वोटर, जिस तरह से आज की डेट में कोई मुसलमान भाई यादव होगा बुरा ना मानेगा, मुसलमान और यादव जिस तरह से परंपरागत वोटर समाजवादी पार्टी के यहाँ हैं, तो यहाँ भी कुशवाहा, पूरा सबर्ण, बिंद, हमने राज्यसभा का मेंबर देके समाज को सम्मानित किया है। तो हमारा भी जो, और राजभर भाई जो आ गए, राजभर का कैंडिडेट 34,000 वोट पाया था और कांग्रेस का 23,000। और कांग्रेस जो नहीं लड़ रही है ना, इसी गाजीपुर की गणित के तहत कांग्रेस के नेता अगर इंडी गठबंधन को देंगे तो उनका सपोर्टर भाजपा को वोट देगा। और राजभर का कैंडिडेट 34,000 पाया था, 23,000 कांग्रेस का, 57,000। मगर फिर लोग कहेंगे इतना आप आंकड़ा गिना रहे हैं, विधानसभा चुनाव भी कुछ दिनों पहले 2022 में हुआ, उसमें 7 विधानसभा सीटें, 7 के 7 बीजेपी आ रही। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आप सही कह रहे हैं। अब उसका मेरा तर्क सुनिए, उस समय हमारे जो, मैं राजभर भाई बड़े कम पढ़े लिखे हैं,
ये उनकी पार्टी का कैंडिडेट है, मैं उनका फैन हूँ। कैंडिडेट नहीं है। नहीं नहीं, अरे रुक, मैं तर्क से सिद्ध करूंगा कि ये, मैं तर्क से सिद्ध करूंगा कि कैंडिडेट है, कहिए उसी पर बोलूं। मैं ये बोल रहा हूं कि ये लड़का जो खड़ा है जिस पार्टी से संबंधित गमछा लगाया, रुको बेटा तनी रुको, बिना मतलब सुने तो है, रुको भैया रुको एक मिनट, मेरा बात पूरा। हाँ, जो जो ओम प्रकाश राजभर है, ओम प्रकाश राजभर जो लड़का, ओम प्रकाश राजभर का जानते हैं कितना उठ, आप कह रहे हैं राजभर साथ आ गए तो वो विधानसभा वाला मैनेज हो जाएगा, ये कह रहे हैं? नहीं नहीं, और सुने यार, आप देखें, आप अंदाज न लगाएं, मैं ओपन और खुलम खुला बोलता हूँ। सुनिए, सबसे बड़ा दोष, मैं सबर्ण कमेटी से आता हूँ, मैं कायस्थ हूँ। जो जाति का रोग नीचे है, वह जाति का रोग सबर्णों में है। अगर मैं कायस्थ हूँ, अगर कोई कायस्थ कैंडिडेट बसपा से आएगा ना, मेरा लार टपक जाएगा। उसी तरह से मैं किसी सबर्ण पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सबर्ण कैंडिडेट है उस बिरादरी का, उठ चला जाता। आप अकेले में बैठ के बात करेंगे ना, तो मैं सारा डाटा दे दूंगा, एक एक डाटा दे दूंगा कि कैसे हम साथ आ रहे। हाँ, राजभर जब उस गठबंधन में है जिसमें अखिलेश यादव हैं, और यहाँ यादव कम्युनिटी अभी लोकसभा में 4 लाख है, मुसलमानों का वो 2.5 लाख है, तो 6.5 लाख तो ये हैं। और राजभर के आने से, राजभर जानते हैं कितना उठ पाए थे? भाजपा और बसपा जितना उठ पाए थे उससे 2000 वोट राजभर ज्यादा पाए थे। क्या नाम है आपका? अच्छा भैया, धन्यवाद। शम्स तबरेज नाम है हमारा। 2004 में तो गठबंधन नहीं ना था, सपा से अफजल अंसारी उठे थे, 2,27,000 वोट से हराए थे मनोज सिन्हा को, 2,27,000 से वोट हराए थे मनोज सिन्हा को। और बात विकास की ये कर रहे हैं, कफन पे GST लगाई है सरकार, आपको पता है? अफजल अंसारी ने क्या किया पिछले 5 साल? सांसद निधि रोक के कहिएगा क्या किया, सांसद निधि रोक के 2 साल की सांसद निधि रोक के कहिएगा क्या किया उन्होंने? सरकार जब धन देंगी तभी ना। और ये बोल रहे हैं विकास की बात, GST पे टैक्स लगाया, अरे कफन पे GST लगी है, और मूवी टैक्स फ्री चल रही है, आपको पता है उत्तर प्रदेश मूवी टैक्स फ्री रहती है, और GST पे ये लोग, अरे कफन पे GST लगाए हुए हैं कैसे? यहाँ पे लड़ाई तो एक नंबर की है, ये नहीं है, 2 और 3 की, एक नंबर पे ऑलरेडी अफजल अंसारी हैं। अब ये है कि कितने वोट जीते हैं, हम लोग पहली बार वोट देने जा रहे हैं आपकी बात। तो कहते हैं 50,000 जीत रहे हैं, 12 साल है। आप घूम रहे इतना, आप खुद देख रहे हैं 2004 में 2,27,000 वोट हराए थे अफजल अंसारी, यही मनोज सिन्हा को। 4 का दौर दूसरा था भाई साहब, 19 में भी 14 है भाई साहब, 19 में भी 14 है भाई साहब। महंगाई और बेरोजगारी पे है इस बार। वो ऑलरेडी जीत चुके हैं, वो जीत चुके हैं, भाजपा वालों को कहने दीजिए, वो कुछ भी कहेंगे। उनको नौकरी पे बात नहीं करना, उनको राम मंदिर पे बात करना है, उनको उनको हिंदू मुसलमान पे बात करना है। यहाँ पे कितने भी हिंदू, आशीष कुमार शर्मा नाम है मेरा, और मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। 2019 से वैकेंसी नहीं आई है, और अभी तक वैकेंसी शिक्षक भर्ती की नहीं दी है। बेरोजगारी पे ये लोग बात नहीं करते, ये लोग बात करेंगे हिंदू मुसलमान पे। ये हिंदू मुसलमान यहाँ भाई बहुत लोग, हमको तो नहीं तकलीफ होती इनसे, हमारे कितने सारे दोस्त हैं, हमारे ये यहाँ पे पूरे गाजीपुर की कम्युनिटी है, मुसलमान कम्युनिटी है, किसी को किसी से दिक्कत नहीं है। ये जानबूझ के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हिंदू तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम ये हो फलां अकाउंट। 2014 से पहले बहुत कुछ होता था, लेकिन इतना डर हिंदुओं को नहीं था जितना आज हो गया है 2014 के बाद। जानबूझ के फैलाया जा रहा है झूठ कि हिंदू डर गया है, हिंदू मुसलमान ये हो गया है, हिंदू वो हो गया। लेकिन बेरोजगारी पर स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके बैठ जाती थी, आज क्या हुआ है, लगा के बैठ जाए कहीं पर, नहीं बैठेंगी, ठीक है। राम मंदिर बन गया, भोजन को नहीं मिलेगा। 2019 से वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, जो भी वैकेंसी आ रही है आउट हो जा रहा है, पेपर आउट हो जा रहा है, ठीक है। और ये करवा नहीं पाएंगे, जैसे ही बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, भाजपा की सत्ता आ गई, तुरंत पेपर आउट हो गया, तुरंत के तुरंत। उससे पहले तेजस्वी थे, एकदम दो टायर वन टायर तेजस्वी, नीतीश और तेजस्वी एक होता था, ठीक है। पेपर पहले भी लीक होते थे, लेकिन पहले दबा दिया जाता था, सरकारें अपनी अपनी इंसल्ट ना करवा इसलिए दबा देती थी, इसीलिए लीक हो रहा। पहले भी लीक होता था, पहले भी पेपर लीक होते थे, पहले दबा दिया जाता था सरकार की। देखिए बदनामी होती है, अगर लीक होगा तो सरकार की बदनामी होगी, इसलिए लीक कर दिया जाता था। जानबूझ किया गया है, चलिए भाई। गाजीपुर, और ये हैं गाजीपुर के लोग, उन्होंने अपने मुद्दे रखे चुनाव को लेकर, जो उनकी राय है वो रखी, और जगह जाएंगे समझते रहेंगे चुनाव को लेकर क्या मूड है। आप देखते रहिए हमारी यात्रा, कौन जीत रहा है। शुक्रिया। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है।
को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।